सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पटना के रिजेक्ट कर देता है और गवर्नमेंट कान में तेल डाल के सोया हुआ है, आखिर क्या बात है। 1.5 करोड़ से ऊपर रुपया जमा है। चौकीदार चोर है सुब्रत राय साहब को खरीदे हुए हैं। इसमें भारत सरकार का भी मिली भगत है, इसका पैसा उनके पास भी है और उनको बचाने का हाथ है। पार्टी आई हुई है, अभी कोई पार्टी नहीं आई हुई है, ना भारतीय जनता पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी है। सरकारी तंत्र इसमें इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है सर? जितने जो अभी करंट पार्टी है वही ना इन्वॉल्व रहेगी। सुब्रत राय के सामने मोदी सरकार छोटा है, नीतीश कुमार छोटा है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के तो कुछ पूछे नहीं है। लोग धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? कि पैसा हमको आपको दिया है, आप हमारा पैसा दीजिए सब हमको मारने के लिए। तो हम लोग कभी कभी बुझाता है कि अपने आप को हम कुछ कर ले। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, राजधानी पटना के बोरिंग रोड इलाके में सहारा इंडिया का ऑफिस था और जहां पर हजारों लोग जो हैं वो पूरे कार्यालय को घेरने के लिए पहुंच गए। देखिए, सभी का पैसा अटका हुआ है सहारा इंडिया में। ये लोग पैसा लगाए थे जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ था पूरे बिहार में, या पूरे देश की हम बात करें तो बहुत विवाद हुआ। देखिए, कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज ही इस कार्यालय को घेरने के पीछे का क्या आखिर मकसद था। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि लोगों का पैसा यहाँ फंसा हुआ है। सब कोई अपना लक्ष्य बना करके पैसा सहारा में डाले, किसी ने बेटी के शादी के लिए, कोई बेटा के पढ़ाई के लिए, कोई बुढ़ापा के लिए, कोई घर मकान, हर तरह के लिए सोच करके लोग अपना पैसा जमा किए। आज ये हो गया है कि पैसा 1 रुपया नहीं मिल रहा है। कितने लोग सुसाइड कर गए इस पैसे के लिए, लेकिन स्थिति बहुत दयनीय है। मेरा पर्सनली 13 लाख रुपया है। हम एजेंट थे, हमारा 1.5 करोड़ रुपया माने हमारे खाताधारियों पब्लिक के द्वारा जो दलवाए सो, और मेरा 13 लाख मिला करके 1.5 करोड़ से ऊपर रुपया जमा है। आज इतने लोग पहुंचे हैं यहाँ, इसके पीछे का आखिर क्या कारण? इसके पीछे एक कारण है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पटना के रिजेक्ट कर देता है और गवर्नमेंट कान में तेल डाल के सोया हुआ है, आखिर क्या बात है। लटकाने अटकाने झटकाने हर तरह के भाषण आपको देने आता है, आई पब्लिक का पैसा सहारा का जो डूबा हुआ है। क्या बोल रहे हैं सर? चौकीदार चोर है। सुब्रत राय साहब को खरीदे हुए है। किसको खरीदे हुए है? सबको खरीदे हुए, प्रशासन को खरीदे हुए, इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। सबको खरीदे हुए का बात कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। अगर सुनता तो यह नौबत नहीं आता। आपका कितना पैसा? कोई पार्टी आई हुई है अभी? कोई पार्टी नहीं आई हुई है, ना भारतीय जनता पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी है। इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं, जबकि देखिए सारी इनोसेंट जनता है। कईयों का पैसा बोल रहे हैं, बेटा बेटी की शादी करने के लिए उसको भी पैसा चाहिए, वो बेचारा शादी रुक गया। कितना बुरे बुजुर्ग लोग मर गए, कितना लोग मर गए गुजर गए, उसका बेटा बेटी तबाह हो गया। कितना पैसा अटका हुआ? मेरा 10 लाख अटका हुआ है। मेरा जो भी हम एजेंट है सब मिला के मेरा जमा करता का भी कम से कम 15-20 लाख रुपया अटका हुआ है। अच्छा, वो भी नहीं मिल रहा है। सुनने वाला कोई कोई नहीं, कोई नहीं सुनने नहीं, कोई नहीं। मेरा अपना है सर 11 लाख रुपया। आप खाता, मेरा पार्टी है, मैं एजेंट भी है, कार्यकर्ता भी है, पार्टी भी है। मेरा पार्टी का 1.25 करोड़ रुपया है। रोज हमारे यहाँ आता है, गाली बकता है, कभी बेटा को गाली बकता है, कभी पत्नी को गाली बकता है, कभी हम भी सुनना पड़ता है। हाँ, कभी छुरा दिखाता है, कभी गोली धराता है, कहता है कि तुमको उठा लेंगे तो तुमको बेटा का मार देंगे, तुम्हारा बेटा पढ़ने जाता है उधर गायब कर देंगे। हम कहते हैं हाँ, सब हमको मारने के लिए। तो हम लोग कभी कभी बुझाता है कि अपने आप को हम कुछ कर ले। क्या बोल रहे हैं सर? देखिए, बिहार सरकार भी निकाला था 2022 को, हाँ, कि अपना अपना डीएम के यहाँ जमा करिए। हम लोग देखिए डीएम के यहाँ जमा भी किए, इस पर कोई कार्रवाई। कहाँ कहाँ गए आप लोग, कहाँ कहाँ आप लोग गए हैं जो आखिर में आज यहाँ पहुँच गए? हम लोग जैसे कि सेंट्रल में जितना भी है मंत्री और अमित शाह प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट सब जगह लेटर दिए हैं, आ जाकर के यहाँ मुख खोले सर। सरकारी तंत्र इसमें इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है सर? जितने जो अभी करंट पार्टी है वही ना इन्वॉल्व रहेगी, तभी तो देखिए। क्या बोल रहे हैं सर? क्या बोल रहे हैं? इसमें भारत सरकार का भी मिली भगत है, इसका पैसा उनके पास भी है और उनको बचाने का हाथ है। हमारे भारत सरकार जो है इनको संरक्षण दे रहे हैं, जबकि थाना में FIR हो जाने के बाद भी इनको अरेस्टिंग नहीं होता है। इसका मतलब इन्होंने पैसा लेके रखे हुए हैं। पुलिस आई, आप लोग को क्या समझा रही है? समझा रही है कि आज आप लोग छोड़ दीजिए, हम बात करेंगे उनसे। अरे बात
तो हम लोग 12 बरस से करते आ रहे हैं, कोई कोर्ट को भी खरीद लिया इन्होंने, भारत सरकार को खरीद लिया। क्या बोल रहे हैं आपका कितना पैसा है? मेरा खुद का 15 लाख रुपया है, हमें कार्यकर्ता भी हैं, 15-16 साल काम भी किए हैं, पब्लिक का करोड़ों रुपया जमा करवा दिए हैं, ठीक है। अब रह गया ये सुब्रत राय के सामने मोदी सरकार छोटा है, नीतीश कुमार छोटा है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के तो कुछ पूछे नहीं है। आपका कितना पैसा था मैम? मेरा तो 10 लाख है, मेरा टीम लेकर 30 लाख रुपया है। आज हम लोग का जीना मुश्किल हो गया है, रोड पर एकदम लोग धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? कि पैसा हमको आपको दिए हैं, आप हमारा पैसा दीजिए। चलिए तो देखिए, सभी की लाखों लाखों रुपए, किन्हीं का 10 लाख, किन्हीं का 12 लाख, किन्हीं का 13 लाख, तमाम जो एजेंट्स भी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए। और देखिए एक तरफ पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो समझा। कितना पैसा था? हमारे आदमी जमा करे, क्रिया क्रिया जमा कर कर के आदमी पैसा रख के आया, तिगरी पैसा नाम निकल मिली थे। क्या बोलते हैं सर? क्या बोल रहा है सर? नहीं मिलेगा। हाँ बोलता है कि नहीं मिलेगा, आप सहारा ले गया, बैठ गया, डूब गया, आपका चल गया, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जो बोलता है। देखिए अभी कुल्हरिया कम्प्लेक्स से अभी घूर के आए। क्या बोले वहाँ? वहाँ तो शटल गिरा हुआ है, कोई नहीं आते हैं स्टाफ, आचुप चले, आचुप चले, खोलते हैं, झंडा भी लिए हुए हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो तमाम सहारा इंडिया में पैसा लगाए हुए जो लोग थे, जो एजेंट्स थे, उनको भी धमकी भी मिलती है कि पैसा हमें वापस दो वरना कुछ भी बुरा हो सकता है। देखिए एक तरफ किस तरह से थाली पीटा जा रहा है, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना के बोरिंग रोड से कि किस तरह से जो तमाम महिलाएं हैं और जो लोग हैं वो हाथों में देखिए थाली पीट रहे। क्या हुआ सर, थाली पीट रहे हैं? क्या हुआ, मेरा 18 लाख रुपए से मांग के बच्ची के शादी करना, बच्चे की उम्र हो गया 35 बरस, अभी तक समझ के पैसा के फेरे में हम लोग मर गए। एक मेरा कार्यकर्ता तो आत्महत्या कर लिया पैसा के चलते, सारा इंडिया चोर है, बेमानी किया, छल किया, छल से पैसा हम लोग को ठग लिया, ठग करके उसके बाद दे नहीं रहा है। माँ बाप के मर गए जो काम करने के लिए पैसा नहीं था, कर्जा हो गया बहुत ज्यादा, और उसके बाद पैसा दे मुझसे मांगते हैं, पूरे भी हो गया, मैं छुट्टी नहीं देता है। देखिए तो किस तरह से जो तमाम महिला है, जो पुरुष है, जो सहारा इंडिया में पैसा लगा रखे थे, थाली पीट रहे हैं, जोर जोर से हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये लोग जो है थाली पीट रहे हैं, इनका लाखों रुपया जो है वोट का हुआ है, 10 लाख 12 लाख 13 लाख। अब देखना होगा कि क्या इस पर कोई एक्शन होता है या फिर नहीं, या ऐसे ही ये लोग पटना के बोरिंग रोड चौराहे को जाम कर कर इसी तरह सड़कों पर बैठे रहते हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही, अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।